आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है, स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। और फिर कहता है इसके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज है। फिर कहता है कि अगर हमें 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो अपन जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी आता है किसी एल लेंथ की स्ट्रिंग हो अगर और उसका मास पर यूनिट लेंथ एम हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला होता है 1/2L × टेंशन स्ट्रिंग में अपॉन एम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है तो लेंथ क्या होगी। तो हम जानते हैं पहले दिया हुआ है कि N1 जो है वो 800 हर्ट्ज है और अपन को N2 जो प्रोड्यूस करना है वो 1000 हर्ट्ज है। ओके, और फिर कह रहा है इस केस में लेंथ दिया था 50 सेंटीमीटर, इस केस में लेंथ क्वेश्चन। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके बोल सकते हैं कि N1/N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2L1 × 2L2, तो L2/L1, क्योंकि टेंशन तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन तो सेम ही होगा। ओके, तो अपन जो वैल्यू दी हुई है और उसको पुट कर देते हैं तो जो L2 का फॉर्मूला आ जाएगा N1/N2 × L1, तो ये आ जाएगा, इसको वैल्यू पुट कर देंगे 800/1000L1 = 50। ओके, तो अपन जो लेंथ है वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।